सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपना दल एस ने धूमधाम से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती ग्राम पंचायत बनहरा के एक निजी विद्यालय में मनाई, जहां कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रेखा पटेल का अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रेखा पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सुंदरलाल पटेल व भगवान गौतम बुद्ध के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। अंग्रेजी हुकूमत के समय किसानों के समय साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाया। हमारी पार्टी उनके मूल्य और आदर्शों पर चलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। साथ ही किसानों के लिए आयोग के गठन की भी मांग हमारी पार्टी ने किया है। पिछड़ों की लड़ाई और हक के लिए हमारी पार्टी तैयार है और हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। वहीं अपना दल जैस की मालती सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन जगन्नाथ पटेल और अध्यक्षता श्याम पटेल ने किया। रेखा पटेल दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज आप आजमगढ़ में आई हैं सगड़ी विधानसभा में, और हमारी नेता, हमारी मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी अपना दल की उनके निर्देश पे आज पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी जिला मुख्यालयों पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जी की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर हम अपने पार्टी के 5 जो सबसे वरिष्ठ और स्थापना काल के हमारे पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे, उनको सम्मानित करने का भी काम कर रही है। और आज आप जैसा कि जान रहे हैं, पूरा देश इस पर्व को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है, और हमारी पार्टी भी हर वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाती है। आप देख रहे हैं कि महंगाई का कारण कोरोना काल रहा, 2 साल तक इस पैंडेमिक से गुजरा है, तो हो सकता है इसकी वजह से हमारे यहाँ महंगाई थोड़ी बढ़ी है। और बेरोजगारी के लिए तो मैं कहूँगी, आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आजकल रोज हर जगह हर मंच पर रोजगार के लिए लोगों के लिए प्रयास रहते हैं और लोगों को रोजगार प्रमाण पत्र वो लोगों को मंचों से दे रहे हैं। देख रहे हैं 1090 हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर है, जिससे महिलाओं को ये बताया जाता है कि भाई अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही है या कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप 1090 टोल फ्री पे संपर्क करके आप उस पर कर सकते हैं। और महिला शक्ति मिशन जो हर पिंक बूथ भी लगाया जा रहे हैं, जहाँ पे महिलाएं अपना जो भी उनकी समस्या है उनको वहाँ जाके आप रख सकते हैं। 2024 की क्या तैयारी है? 24 में तो आप देख ही रहे हैं कि ये 2024 की तैयारी है। हम लोग जगह जगह जाके अपने पार्टी का विस्तार करने का काम कर रहे हैं। जो भी हमारी पार्टी में अपने संगठन में जो कमियां हैं उसके कील काटे दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने हमारे सभी नेताओं को विभिन्न जिलों में लगाया है, ताकि हम लोग जाके वहाँ के संगठन के बारे में जानकारी ले सके, वहाँ क्या कमियाँ हैं उस कमी को दूर कर सके और अपने संगठन का विस्तार कर सके। मैडम, इसको प्याज 3 रुपए किलो है तो जनता को तो रुलाएगी, और प्याज तो हमेशा से रुलाती आई है। मैं क्या बोलूँ, मैं तो NDA गठबंधन के अंग हूँ, और मैं अपने नेता की तरफ से बस इतना ही कह सकती हूँ कि हम लोग पूरे दमखम से 24 के चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी गठबंधन CIBN इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।